स्टूडेंट योर टुडे टॉपिक स्टार्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज दैट डिजाइन टू अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। मैंने आपको पहले भी बता दिया चुकी हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर टास्क के लिए, यूजर के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे मैंने कहा रेस्टोरेंट, रेलवे रिजर्वेशन, मान लो रेलवे रिजर्वेशन में आप रेलवे रिजर्वेशन का एक आपने ऐप बना रखा है, तो उस ऐप में जाके आप क्या कर सकते हैं, रेलवे के टिकट ले सकते हैं, वेटिंग वाला टिकट ले सकते हैं, आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, आप कुछ भी अपना टिकट वापस कर सकते हैं। तो सारी एक ऐप है जिसमें सारी सुविधाएं अवेलेबल होंगी। तो वो एक ऐप बनाया गया यूज़र की सहायता के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए कि सिर्फ रेलवे का काम चलेगा। तो एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसी सॉफ्टवेयर जो उनके प्रोग्राम्स जो बनाए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर टास्क, एक ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे आपने आपका पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट किस लिए बनाया गया? इसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए, स्लाइड्स बना सकते हैं। ठीक है, बिजनेस पर्पज के लिए क्या बना सकते हैं? स्लाइड्स बना सकते हैं, उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए जरा, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेट इज़ यूज टू मेंटेन फाइनेंशियल अकाउंट्स कैन नॉट बी यूज फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो फाइनेंस का सारा काम देखेगा, अकेला फाइनेंस का काम देखेगा, वो कैसा सॉफ्टवेयर कहलाए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनेबल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ऐसे सॉफ्टवेयर जो काम कराते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग में क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, अपने एडिटिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक हमने सॉफ्टवेयर बना लिया, बिलिंग और रेलवे रिजर्वेशन का अकेला एक ऐप बना रखा है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स फॉर मैनेजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को भी क्या रखते हैं, अपने पास रखते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट डिफाइंस अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म अ सम स्पेसिफिक ऑपरेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर में कैसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि क्या यूज़ होते हैं, एज अ जैसे आप किस पे पर से बेस्ड, सच एज अ डिस्क कह सकते हैं, जैसे जनरल पर्पज़ की कोई एक्टिविटीज़ करानी हो, टू परफॉर्म ऑल अदर टास्क सच एज, जैसे बोल सकते हैं देयर फॉर वी रिक्वायर जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म ऑल अदर टास्क सच एज, जो एक के साथ बहुत सारे काम करा सकते हैं, जैसे सच एज प्रोसेसिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कौन सा मैंने बोला, लाइक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, वो क्या करेगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बना सकता है, डेटाबेस भी मैनेज कर सकता है, आपका प्रेजेंटेशन भी बना सकता है और डिजाइनिंग ग्राफिक्स भी कर सकता है। मतलब एक से ज़्यादा जो काम कर रहा है वो कहलाएंगे जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। जिसमें एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, ब्राउजर, ये सारे हो गए। ठीक है, ओके, तो ये हो गए आपका जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, जैसे जो पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं, रेलवे रिजर्वेशन के लिए, बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, अकेला एक एक काम के लिए जिनका पर्टिकुलर टास्क होता है उनके लिए क्या बनाए जाते हैं, हमारे स्पेसिफिक है, नाम से ही स्पेसिफिक है, जनरल मीन्स सबके लिए जनरल, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है। कस्टमाइज क्या होंगे, कस्टमाइज में क्या होते हैं, रिफर्स टू अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय एन ए हाउस डेवलपमेंट ग्रुप, अ सॉफ्टवेयर फर्म और एन इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि एक ग्रुप के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल ही बना मिलकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी फायदे के लिए, अपने काम के लिए एक खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वैसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, लास्ट ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन आप सबको पता है कि मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे इसमें हम काम करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन ऐप के लिए, ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन ऐप में व्हाट्सअप हुआ, मैसेज मी हुआ, ठीक है, शेयरिंग करना वीडियोस, ये कम्युनिकेशन ऐप्स में आ जाएंगे आपकी, ये सब मोबाइल एप्लीकेशन। एजुकेशनल ऐप्स में कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी, वेदांतु ऐप हुआ आपका, ठीक है, बहुत सारे ऐप जो है जो डेवलप किए गए हैं, आप जैसे जूम ऐप हुआ, गूगल मीट हुआ, इस पे थ्रू आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एजुकेटर के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं एक दूसरे को। इंटरटेनमेंट ऐप्स जिसमें मूवीज़ देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स हुआ, यूट्यूब हुआ, ठीक है, गेम्स ऐप्स हुआ, गेम्स ऐप्स में जैसे एंग्री बर्ड्स हुआ, स्नोबॉल हुआ, ये सारे ऐप्स,
वेदर ऐप्स जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने वेदर की जानकारी, मौसम की जानकारी देख सकते हैं, जैसे लोकल वेदर, वेदर HD, ये सारे ऐप्स हैं। ट्रैवल ऐप्स जिसमें आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, किसी भी ट्रैवलिंग के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। booking.com हुआ आपका, theflyingapp.com हुआ। सोशल नेटवर्किंग ऐप्स कैसे हुए, जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, स्नैपचैट हुआ, जिसमें आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी बातें को शेयर कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। न्यूज़ ऐप में NDTV, गैजेट 360, फ्लिप बोर्ड, इसमें क्या आप सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं। तो ऐसे ऐप्स जो सारे मोबाइल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये सारे ऐप्स किस क्या कहलाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, आज मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट टर्म से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूँगी, नेटवर्किंग। ओके थैंक यू।